मथुरा में शनिवार के दिन समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मथुरा से लखनऊ जा रही समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली का संयुक्त कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मथुरा रिफाइनरी के समीप स्थानीय गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने की। बैठक से पूर्व अजीत यादव के नेतृत्व में मथुरा से लखनऊ जा रही साइकिल रैली को रवाना किया गया। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि साइकिल रैली मथुरा से रवाना किया गया है। साइकिल रैली के माध्यम से नेताजी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य प्रदेश के युवा करेंगे। वहीं मथुरा से लखनऊ के लिए निकली साइकिल रैली की शुरुआत के दौरान अजीत यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग का प्रदेश सचिव अजीत यादव, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और हमारे साथी हर जिले से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, भदोही और हरदोई, सीतापुर, हर जिले से लड़के हैं। बरेली से अधिक टीम है, रामपुर से भी लड़के हैं, ये गौरव यादव जी हैं, ये भी हैं बरेली से, आकाश हैं रामपुर से और हर जिले से। हम लोग कम से कम 15 से 16 जिले से सब युवा लड़के हैं, क्योंकि नेताजी अधिकतर कहा करते थे कि ये समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है। तो हम युवाओं ने ठाना है कि नेताजी को इस नारे को जन जन तक बुलंद करेंगे। हर बार पुण्यतिथि हो नेताजी की या जन्मदिन हो, हम सब युवा साथी हर बार रोड पे निकलेंगे और इसी तरह संघर्ष करेंगे। ये हमारी यात्रा मथुरा से स्टार्ट हो रही है, आगरा जाएगी और फिर समाधि स्थल पर, अभी उपचुनाव है करहल में, वहाँ पे हम लोग साइकिल यात्रा करेंगे, समाधि स्थल पे पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे नेताजी को। उसके बाद कन्नौज, हरदोई होते हुए लखनऊ जाएंगे और हम सब युवाओं को जागरूक करेंगे और ये नारा नेताजी को हम लोग बुलंद करेंगे कि नेताजी समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी होगी और ये कभी भूली नहीं होगी। क्या साइकिल रैली का आपका एक मुख्य उद्देश्य निकलने? मुख्य उद्देश्य ये है हमारा कि हम लोगों को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हम लोग इससे पहले जब प्रथम यात्रा किए थे तो हम लोग 5 सांसद थे, तो हम लोग यही कह रहे थे कि हर जिस लोकसभा में जाते थे और विधानसभा में जाते थे, कहते थे नेताजी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग इस बार अपना सांसद और विधायक जो चुनाव हो उसमें हम लोग वोट देके और विजय बनाए। तो हम लोगों ने अपने यहाँ भी मोहनलालगंज में भी साइकिल चलाई थी, 2 विधानसभाओं में 3, तो हम लोग इस बार अपने यहाँ सांसद बनाने में कामयाब रहे हैं। तो यही चीज हमने वहां भी बैठक में कही थी कि नेताजी की पुण्यतिथि पे हम लोग ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम लोग जितना जोड़ सकते हैं लोगों को जोड़ें और सबको, अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ें और उससे समाजवादी पार्टी को विजय बनाएं। यही सपना था नेताजी का कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी और ये साइकिल नेताजी की हम लोग इतनी बुलंदियों तक ले जाएंगे कि एक ना एक दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाकर हम लोग सारे युवा साथी मिलकर, चाहे पूरे देश में साइकिल चलानी पड़े, फिर भी हम लोग नहीं हार मानेंगे। और जितने युवा साथी हैं, अभी तो हम लोग मथुरा से चले हैं, पूरे प्रदेश में चलेंगे। अगर आदरणीय अखिलेश जी ने हम लोगों को अनुमति दी तो पूरे देश में आदरणीय नेताजी की साइकिल जन जन तक पहुंचाएंगे, हर युवा साथी को जोड़ेंगे और अधिक सब लोगों का आशीर्वाद लेकर हम लोग युवा साथी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये हम सब युवा साथी जितने हैं सबका यही संकल्प है। समाजवादी पार्टी मथुरा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाने के उद्देश्य से यह साइकिल रैली चलाई जा रही है। इस रैली का समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी द्वारा पूरे जोश और उल्लास के साथ माल्यार्पण और दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही कहा कि साइकिल रैली के माध्यम से नेताजी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साइकिल रैली के मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि साइकिल रैली में सम्मिलित पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत करने के लिए जोश भरकर तैयार किया गया है। साइकिल सदैव चलेगी नेताजी के नाम से और ये साइकिल दिल्ली जाएगी, क्योंकि साइकिल चलने की एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि महंगाई का जमाना है, इसलिए आम जनमानस को, देश की जनता को साइकिल पे आना पड़ेगा। ना पोल्यूशन होता है, ना पेट्रोल लगती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना है, महंगाई से बचाना है, पोल्यूशन से बचाना है, स्वस्थ रखना है, तो समाजवादी पार्टी को अपनाना होगा, तभी देश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा और ये साइकिल दिल्ली जाएगी और अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज पूरा देश साइकिल युवाओं में मथुरा से साइकिल यात्रा का शुभारंभ हुआ है। समाजवादी पार्टी हमेशा जोश में रहती है, लेकिन इस बार जो जोश है वो आसमान की तरफ जा रहा है मथुरा जनपद का, और निश्चित ही इस बार सरकार बनेगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 27वें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, तो समाजवादी सरकार में यहाँ के MLA के रूप में भागीदारी मथुरा की होगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। इस बार मथुरा में साइकिल दौड़ेगी नहीं, रफ्तार पकड़ेगी।
कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का परचम लहराते हुए मथुरा जनपद से अब की बार विधायक जिताकर भेजने का आह्वान भी किया गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, जिला उपाध्यक्ष गगन रावत, जिला उपाध्यक्ष गौरव गोस्वामी, जिला कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी, वरिष्ठ नेता मुरारी लाल कटारा, जिला सचिव मोहित, विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र सिकरवार, विधानसभा अध्यक्ष गोवर्धन पोहप सिंह, विधानसभा अध्यक्ष मथुरा राजेंद्र लोधी, जिला सचिव दाऊ दयाल एडवोकेट, रमेश सैनी, सुभाष सैनी, कोमल भट्ट, धर्मेंद्र चौधरी, शिव कुमार चौधरी, सुभाष चौधरी, उदय सिंह राणा, मिलन गोपाल, राहुल, दर्शन यादव, महेंद्र, चेतन, मनोज, जीतू, अजीत यादव, पूर्व महानगर सचिव रवि यादव सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्तागण मुख्य रूप से मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, आज साइकिल यात्रा का मथुरा से शुभारंभ हो रहा है, युवा साथी है जो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और आपके द्वारा भी भव्य स्वागत किया गया है, क्या एक ये कार्यक्रम? देखिए, हमारे छोटे भाई अजीत यादव जी हैं, इनके नेतृत्व में जनपद मथुरा से आज इस साइकिल यात्रा का शुभारंभ हुआ है और ये विभिन्न शहरों से होकर, कस्बों और गांव से होकर अपनी इस साइकिल की यात्रा को अंतिम रूप देंगे। सफाई होते हुए पहले तो नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उसके बाद ये लखनऊ जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात ये है कि अजीत भाई ने मथुरा को चुना जहाँ से इस साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है और जब बिगुल फूका जाता है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो भगवान श्री कृष्ण जी का आता है। आज अजीत भाई ने 2027 के चुनाव के लिए जो तैयारी है उसको खाका पहनाते हुए यहाँ बिगुल फूंकने का काम किया है और ये जनपद मथुरा, जिसमें ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी है ही नहीं, आज आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का विस्तार हो चुका है, जन जन तक समाजवादी पार्टी की नीति रीति पहुंच चुकी है। उस कार्मे को आगे बढ़ाते हुए अजीत भाई पूरे हाईवे से होकर गुजरेंगे, गांव गांव होकर जनमानस से अपनी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति और रीतियों से अवगत कराएंगे और बिगुल फूंकने का आज इन्होंने काम कर दिया है। बिल्कुल 2027 में हम समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएंगे और विधायक बनाकर विधानसभा में बिठाने का काम हम सब लोग